नमस्कार। काम के बोझ को कभी हल्का मत लेना, यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी हाल ही में एक WHO की रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में लोग काम के बोझ के तले दबे हुए हैं। ऑफिस में, घर में, हर जगह तरह तरह का प्रेशर है। सामाजिक भेदभाव है, ऑफिस में भेदभाव है, काम का प्रेशर है, इसकी वजह से उनकी लाइफ स्टाइल बिगड़ रही है। चिड़चिड़ापन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, अपने आप को बैड फील महसूस कर रहे हैं। और आपको पता होगा, अभी हाल में पुणे में 26 साल की लड़की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वो काम के बोझ से उसकी मौत हो गई। अखबारों में उसकी खूब सुर्खियां बनी और यहां तक कि लोग कहने लगे कि काम का बोझ थोड़ा कम किया जाए ऑफिस में, हर जगह, यहां तक कि स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। तो आखिर इस काम के बोझ से कैसे निपटें, कैसे इसको हैंडल करें, ये देखिए आप। सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, काम तो बहुत सारा लोड ले लेते हैं लेकिन टाइम मैनेज करना नहीं सीखते। ये नहीं सीखते कि कौन सा काम किस वक्त हमें करना है, कौन सा काम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में वो संतुलन नहीं बिठाते हैं और फिर काम का लोड अपने सिर पर ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनका माइंड डिस्टर्ब होता जाता है। तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। हाई से हाई काम करना और छोटा से छोटा काम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पहले कौन सा है और कम इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, उसको सही करिए, तभी आपकी लाइफ व्यवस्थित रहेगी। सेकंड, हर काम के बीच में ब्रेक ले। ध्यान रखना, आप यूं नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो तो 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर उस काम में पड़े हुए हो, ऐसा मत करना। हर 2 घंटे 3 घंटे में ब्रेक ले। जो भी आपको पसंद है, चाय पानी करिए, थोड़ा रिलैक्स होइए। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनिए और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए यार। कॉलों की बेल की तरह मत बनाइए कि सुबह लगे किसी काम को रात तक वही काम कर रहे, और जब वो काम पूरा नहीं होता तो और दिमाग खराब होता है और आप डिस्टर्ब होते हो, ऐसा मत करो यार। हर काम के बीच में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स जरूर ले। अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे, अपने शरीर पर भी ध्यान दे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना तो आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। अच्छी नींद ले, अच्छी डाइट ले, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके काम के बोझ के ऊपर। अगर आप अच्छी नींद लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो आप कोई भी काम करोगे ना तो आपको वो काम बोझ नहीं लगेगा। वरना आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब है, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं, नींद नहीं आने से चिड़चिड़पन है, तो और ऊपर से आपका काम का बोझ आ जाएगा तो फिर आप काम कैसे करोगे, और आपके दिमाग में एंजाइटी पैदा होगी और आप चिड़चिड़ करोगे और आप घर वालों से चिड़चिड़ करोगे, ऑफिस में चिड़चिड़ करोगे और धीरे धीरे आपका माइंड डिस्टर्ब होता जाएगा। तो वर्कलोड को कम करना है ना तो अच्छी नींद लो और अच्छी डाइट लो। मदद मांगने में कभी शर्म मत करें, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो। बहुत से लोग क्या करते, अरे यार मैं कैसे मदद मांगूंगा, अपने आप को शर्म फील करते हैं, अरे यार मैं मदद मांगूंगा तो क्या होगा, और मदद मांगते नहीं है, वो अकेले काम करते रहते हैं। फिर काम का बोझ उनके ऊपर आता रहता और उनको पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। आप ऐसा मत करो यार। कोई भी काम अगर नहीं आ रहा है आपको, अपने ऑफिस में मदद मांगिए। आपके घर में आपको किसी चीज की हेल्प है तो बेझिझक अपने भाई से मदद मांगिए, अपनी बहन से मदद मांगिए, अपने आसपास पड़ोसी से मदद मांगिए। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। किसी काम में अगर कोई हाथ बटा देगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आप अगर ये सोचोगे यार मैं मदद मांगूंगा लोग मुझे क्या कहेंगे, इस क्या कहने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो मदद मांगने में कभी शर्म मत करना। रोज योग करना, मेडिटेशन करना, वर्कलोड कम करने में इसमें बहुत मदद मिलती है आपको। योग करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपका मन शांत रहेगा, आपका माइंड कूल रहेगा, आप कोई भी काम करोगे ना वो आराम शांति से कर पाओगे। छोटा मोटा काम का प्रेशर भी होगा ना तो आपका योग और आपका मेडिटेशन उसे हैंडल कर देगा। तो इस तरह आप काम के बोझ को हैंडल करो। अगर आपने काम के बोझ को हैंडल नहीं किया तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।